क्या वजीर आजम का खुराक किसके नाम निकलेगा, अभी तक ये फैसला ना हो सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की दूसरी बैठक आज फिर होगी। दोनों ने पहली मुलाकात में तीन तीन नाम शेयर किए, जलील अब्बास जलानी, सादिक संजरानी, इसहाक डार भी दौड़ में शामिल। आज इत्तफाक होने पर निगरा वजीर आजम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इत्तफाक राय ना होने पर 6 में से 4 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेज दिए जाएंगे। लीगी रहनुमा मलिक असद खोकर और चेयरमैन PNN मलिक मुदस्सर खोकर की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आइंदा इंतखाबी मुहिम से मुतल्लिक मुशावरत। मलिक असद खोकर और मलिक मुदस्सर खोकर का नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक सदर आसिफ सरदारी से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मुलाकात, अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। साबिक सदर का कहना है 15वीं कौमी असम्बली की तकमील से जमहूरियत मजबूत हुई है, जमहूरी अकदार को फरोग मिला, पार्लियामान का जमहूरी अंदाज में इख्तिताम एक अच्छा शगुन है। साबिक सदर ने ऐवान में मुस्बत किरदार अदा करने पर स्पीकर को यादगारी शील्ड पेश की। और शहदाए वतन को सलाम, सिपाही वक्कास अली शाह ने 25 अप्रैल 2023 को जिला खैबर में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद के वालदैन को अपने बेटे की कुर्बानी पर फख्र, कहते हैं बच्चा बच्चा वतन अजीज की खातिर कुर्बानी देने को तैयार है। शहीद के मामू को 9 मई के वाकयात पर दुख।